नमस्ते, गुड इवनिंग। आजकल एक मेजर से प्रॉब्लम है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, वो है हेयर प्रॉब्लम, राइट? बिकॉज हम लोग इतने ज़्यादा कॉस्मेटिक्स और ब्रांड ये सब यूज़ कर करके हेयर की वाट लगा चुके हैं और भूल ही गए हैं कि हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में आयुर्वेद को हम लोग पीछे छोड़ के ये सब चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं। सीरियसली, मैं आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। सो सिंपल नेचुरल एक शैम्पू मैं आपको बताने वाली हूँ जो आप आराम से स्टोर करके रख सकते हो, और किसी का हेयर डैंड्रफ हो रहा है या फिर हेयर फॉल हो रहा है, हेयर बहुत ज़्यादा थिकनेस है, ग्रे हेयर है, बहुत अच्छा फीडबैक है इसका। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि आपका जो जो प्रॉब्लम है ना, वो सारे प्रॉब्लम का आंसर नेचर में है। सो कीप फॉलो नेचर। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी है। यहाँ पे है रीठा, एंड दिस वन इज शिखाकाई, एंड दिस इज आंवला, और ये है फेनग्रीन सीड, दैट इज मेथी। इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। दिस वन इज़ ट्री ऑयल, इसको मैं लास्ट में यूज़ करूँगी। यहाँ पे पानी बॉयल हो चुका है और मैं इसमें डालूँगी ये सारी सब चीज़। और इसको बॉयल होने देंगे करीबन हाफ एन आवर। कोई कोई इसको प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। रीठा, आंवला, शिकाकाई के साथ मैंने इसमें मेथी ऐड किया है। मेथी हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें प्रोटीन, विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम सब कुछ रहता है। इसमें हमारे स्कैल्प की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है। इट्स वेरी गुड। बीच में आप इसको थोड़ा सा चलाते रहिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप आधे घंटे ही इसको 15-20 मिनट के लिए भी बॉईल करके इसको रख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और आप देख सकते हो नेचुरली कितना अच्छा इसका फोम आया है। सो अभी मैं उसको एक स्ट्रेनर में इसको छान लेंगे अच्छे से। इसको मैंने स्ट्रेनर में छान लिया है अच्छे से, आप देख सकते हो। और ये जो निकला है इसको हम लोग फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, या फिर दो बार आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इसका पैक पेस्ट करके इसका पैक बना के हेयर पे भी लगा सकते हो। सो ये बन गया है आपका नेचुरल होममेड शैम्पू। अब जैसे ये ठंडा होगा इसको स्टोर करके हम लोग ऐसे रख देंगे, जैसे आपको चाहिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठंडा होने के बाद इसमें हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा 3-4 ड्रॉप ट्री ऑयल। ट्री ट्री ऑयल हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज़ देता है, हेयर ग्रोथ और स्किन के लिए, और इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत ही मीठा है। सो आप इसको स्टोर करके आराम से आप यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू, प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।